वेलकम बैक टू द चैनल। थंबनेल और टाइटल में आपको देखकर समझ में आ ही गया होगा कि वीडियो किस चीज़ पे आने वाला है। एक वीडियो तो हमने जन्माष्टमी का डाला था अपने ताजपुर का, लेकिन ये वाला वीडियो जो है समस्तीपुर के जितवारपुर का होने वाला है। और आप ये जब वीडियो देख रहे होंगे तो ये मेला यहाँ से जा चुका होगा। ये मेला का पूरा रिव्यू आपको हम दिखाने वाले। तो देखिए यहाँ पर जो है सो आपको काफ़ी दूर में जो है सो फील्ड में मेला मिल जाएगा देखने को। ये जो समस्तीपुर का जो जितवारपुर कॉलेज है उसके थोड़ा सा आगे आते हैं तो वहाँ पर आपको मेला देखने को मिल जाएगा फील्ड में। तो यहाँ पे जो है सो तरह तरह का जो है सो झूला लगाया गया है। जितना भी झूला लगभग झूला जो होता है बिहार में वो सारा झूला आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इधर नाव झूला हुआ, ब्रेक डांस हुआ और ATC आपको पूरा कैमरा में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा होगा तो ज़्यादा कुछ बताएंगे नहीं, सिर्फ आप जो है सो कैमरा एंगल में देखिए और देखते हुए चलिए। यहाँ पे आप पीछे पूरा देख सकते हैं कि किस टाइप से पूरा में ये जो है सो मेला को लगाया गया है। और यहाँ पे आपको खाने पीने का सामग्री जितना भी होता है वो सारा चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मौत कुआं भी लगाया गया है और आज का पहला वो भाई साहब ऊपर बैठे हुए, ऊपर फोकस करो, यहाँ इधर फोकस करो। और ये वाला एक झूला है यहाँ पे ब्रेक डांस, इधर फोकस करो। ये वाला जो झूला है ये कुछ अलग लगा देखने को, तो ये पता नहीं कैसे चलता है, शायद ब्रेक डांस जैसा ही लगता है देखने को। हम लोग अभी जो है सो पूरा मेला को रिव्यू करने वाले हैं क्योंकि चारों तरफ आपको मेला ही देखने को मिलेगा। और ये हो गया आपका वो वाला, इस टाइप से जो झूला होता है पता नहीं इसका क्या नाम है, वो हो गया। अभी वो बंद है मेला। इधर फोकस करो, यहाँ फोकस करो, यहाँ आदमी इधर है, तुम उधर फोकस कर रहा है। तो अभी हम लोग मेला में चल रहे हैं और ये समस्तीपुर में हम पहली बार इस चीज़ को रिव्यू करने आए हैं, इस मेला को। तो इस तरफ आपको खाने पीने का सामग्री इधर भी मिल जाएगा और यहाँ पे आपको जो है एक स्मोकिंग बिस्किट भी दिखाएंगे, जो नाइट्रोजन पे जो है डाल करके उसको जो है मुँह में डालने से वो स्मोकिंग पूरा धुआं जो है सो निकलता है। और इतना ज़्यादा इधर हल्ला हो रहा है कि क्या बताएं आपको, बस झूला आपको जो यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जो है सो ये जादूगर का जो शो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी इधर हम लोग चलेंगे और ये जो मैजिक वाला होता है आइसक्रीम वाले भाई साहब, ये वाला है यहाँ पे। कितना से चालू है यहाँ पे, कितना से चालू है प्राइस आइसक्रीम का? प्राइस 100 रुपया, 100 से स्टार्ट है। कितना तक जाता है? हर एक फ्लेवर 100 रुपये, हर एक फ्लेवर। कितना फ्लेवर होगा आपके पास? 26 फ्लेवर है। चलिए ठीक। तो यहाँ पे जो है सो आप जब आएंगे वीडियो को देखेंगे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। इधर जो है सो आपको कुछ खिलौना का दुकान मिलेगा। अभी के समय में इधर फोकस करो, अभी के समय में जैसे जैसे जो है सो दुनिया डेवलप होते जा रहा है, डिजिटल होते जा रहा है, तो ये खिलौना उलौना का जो है ना सो सिस्टम जो है धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। तो जब आप मेला में आते हैं तो यहाँ पर चारों तरफ CCTV का भी प्रबंध किया गया है, लेकिन फिर भी संभाल करके, मेला है तो कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर आपको पीछे जो है तो डिस्प्ले दिख रहा होगा कैमरा का। यहाँ पे आपको लगभग चीज़ जो सोनपुर में देखने को मिलता है वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक बार हमारे आगे जो है उधर कैमरा को फोकस करो, इधर करो, इधर एक बार आपको पूरा चारों तरफ जो है सो फील्ड काफ़ी बड़ा है और मेला काफ़ी अच्छा से यहाँ जो है लगाया गया है। तो आप देख सकते हैं इतना पूरा मेला एक वीडियो में कैप्चर करना और दिखाना संभव नहीं है। कहाँ गया रे हमारा कैमरामैन, भुतला जाता है हमको छोड़ करके। और ये वाला जो है सो धीरे धीरे ये सब खिलौना जो है सो विलुप्त होते जा रहा है। और हम लोग इधर से निकलते हैं दोस्तों, साथ दीजिए। इधर आपको हर एक माल देखने को मिल जाएगा। और ये लाइट वाला खिलौना यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा आपको, बहुत सारा यहाँ पे लाइट वाला खिलौना जो है सो देखने को मिलेगा आपको। और ये पूरा हर एक माल है इधर से इधर। और ये आपका जो है सो इधर से मेन गेट हो जाता है मेला का जो है, ये वाला आपका मेन गेट हो गया। लक्ष्य
20 रुपया। और ये वाला कुत्ता भाई साहब, ये वाला कुत्ता पे एक बार फोकस करो। ये कुत्ता जो है डिजिटल कुत्ता नहीं होता है, ये जो है सो कितना पड़ता है इसका, कितना प्राइस है? 80 रुपया 150 रुपया 80 150। छोटा वाला का 80, बड़ा का 150। अच्छा हाँ, तो ये वाला सीन है, ये जो है सो कुछ ये पेंडुलन टाइप का होता है, ऑटोमेटिक हवा से जो है सो हिलते रहता है ऐसे। जिसके घर में होगा वो जानते होंगे, जिसके घर में नहीं होगा वो भी जानते होंगे इस चीज़ को। इधर आपको जो है सो खाने पीने का सामग्री देखने को मिल जाएगा, और एक उधर है भेलपुरी का आपका जो है सो स्टॉल लगा हुआ है। उधर फोकस करो, उधर भेलपुरी का उधर स्टॉल लगा हुआ है। और मेला क्या देखा, यहाँ से आप जो आते हैं, मेरा पीछे फोकस करो, यहाँ से आप जो है आपका मेन गेट इधर से हो जाता है, फिर हम लोग जो है सो इधर चलते हैं। हर एक माल 20 रुपए में मिल रहा है, तो आइए और लेकर जाइए। ढाका झांकी नगरी इधर 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 सामान है ऐसा कि हमको फोकस करते रहो यहाँ, ठीक है? हम क्या बोल रहे हैं उसको सुनो। तो ये वाला सब सीन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये जो है सो सोनपुर को, ये जो है सो सोनपुर को और क्या बोलते हैं गंगा नहाने जो जाते हैं, गंगा स्नान में जो मेला लगता है, वो दोनों को जो है कंबाइंड करके इस टाइप से मेला को लगाया गया है। ऐसा मेला हम पहली बार देखे अपने जीवन में, अभी तक सोनपुर भी घूमे और सारा मेला भी घूमे हैं, लेकिन ये मेला जो है फर्स्ट टाइम ऐसा रिव्यू रहा है मेला। और यहाँ जो है सो राधा कृष्ण का मूर्ति बैठाया गया था, वो वाला हम लोग आपको रोड से दिखाएंगे इधर आओ। तो ये वाला जो है मेला, अब जब आते हैं लगभग हमको लगता है कि 1 किलोमीटर दायरे में जो है सो मेला को लगाया गया है पूरा मेला को। और यहाँ पे जो है सो ये आपका मेला का फील्ड हो गया इधर, यहाँ जब आप इस तरफ आते हैं सड़क पे, इस तरफ आपका एंट्री गेट हो जाता है, ये वेलकम गेट जो हो जाता है। उसके बाद आप इधर से जो है सो इस तरफ जाएंगे, तो वहाँ आपको लाइट दिख रहा होगा, एक मेन गेट दिख रहा होगा, वहाँ आपको कृष्ण राधा मूर्ति जो है देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला भी है सिर्फ, ये चीज़ पहले बार देखने को हमको मिला है कि जैसे मेला में ऐसे कुर्सी टेबल लगा हुआ है, वहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है। और तुम सही से फोकस करो, सही से फोकस नहीं हो रहा है, हमारा कैमरामैन ज़्यादा झटियाया हुआ रहता है। हाँ, तो वो जो है सही से फोकस नहीं, उसका ध्यान इधर उधर इधर उधर, उसको लगता है कि मुँह उधर घुमा लिए ना तो कैमरा भी घूम जाता है, ऐसा नहीं है। कैमरा के साथ साथ जो है मुँह भी घूमता है और मुँह के साथ साथ कैमरा भी घूमता है, तब जा कर के जो दोनों मैच करता है। तो हम लोग किधर से किधर आ गए, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेला इतना ज़्यादा बड़ा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे जो है सो बस खाने पीने का आपको आइटम यहाँ पे बहुत अच्छा मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है सो चचा एक और लाइट वाले, तो यहाँ पे मेला कितने दिन तक रहने वाला है यहाँ पे? मेला 12 तारीख 11 तक 12 तक हो गया है, पहले 11 था ना, 12 लास्ट 6 दिन चलेगा ना। अच्छा, कितना तक? 8 तारीख से लगता है ना मेला, 8 से 7 से 7 से मेला लगता है यहाँ पे, एक 12 तारीख तक है। तो डेट थोड़ा सा जो है सो बदल गया था, सुनने में ऐसा आया था कि 11 तक ही रहेगा, तो नहीं आप आ सकते यहाँ पे। अंडा वाला सीन है यहाँ पे, तो उबाला हुआ अंडा भी मिल जाएगा यहाँ पे। बहुत उधर फोकस करो, वहाँ पे बहुत सारा चीज़ आपको मतलब इस मेला में अजीबोगरीब वो चीज़ कह सकते हैं कि देखने को मिलेगा, जो पहली बार आप देखे होंगे। सोनपुर में भी वैसा देखने को आपको नहीं मिला होगा, उस टाइप का चीज़ जो है, बस हाथी घोड़ा छोड़ करके सारा चीज़ मिल जाता है यहाँ पे। आइसक्रीम का छोटा छोटा पार्ट कट के मिलता है, वो आपको खाने को मिल जाएगा यहाँ पे, फ्री में नहीं है, पैसा दे करके है वो वाला। स्मोकिंग बिस्किट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे प्राइस कितना रहता है इसका, स्मोकिंग बिस्किट का? हाँ, प्राइस कितना होता है स्मोकिंग बिस्किट का? क्या प्राइस कितना है चार्ज इसका? 10 रुपया। तो यहाँ पे 10 रुपया में स्मोकिंग बिस्किट है, इसमें कितना बिस्किट देते हैं? 10 रुपया में एक बिस्किट, 10 रुपया में एक बिस्किट मिलता है यहाँ पे। और उसको ऐसे करके मुंह पे डालते हैं, नाइट्रोजन का उसमें जो मात्रा होता है, तो मुंह में डालिएगा तो मुंह में से जो भाप निकलेगा। और हम लोग जो है सो वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। 12 तारीख तक मेला रहेगा भैया, मेला 12 तारीख तक रहेगा ना? हाँ, मेला 12 तारीख तक। हाँ, 12 तारीख तक मेला है।
तो हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारा रिव्यू करने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे ये फैशन आपको कैसा लगा, हमारे मुंह पे पुट्टी है या नहीं है, गर्मी से धुल गया है, इसके बारे में आप क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रहा बात यहाँ तक रिव्यू का, और हंसी मजाक तो चलते रहता है, लेकिन कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे।